कैसे हो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी को फिर से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं Vivo V17 Pro डिवाइस के बारे में। इसका कुछ हाइलाइटेड स्पेसिफिकेशन के बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे, इसके प्राइस क्या होने वाले हैं इसके बारे में आपको डिटेल्स बताएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को स्किप मत करिए, लास्ट तक देखिए। एंड फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी के पास एक ही रिक्वेस्ट करूँगा, आप अगर मेरे चैनल के ऊपर नए नए विजिट कर तो आपको मेरे चैनल को बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो के नीचे देखिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन है उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन है उस पर क्लिक कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाए। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं आज की। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, Vivo की जो V17 Pro डिवाइस है काफ़ी बढ़िया डिवाइस है एंड एक बजट रेंज डिवाइस है। इसका प्राइस के मुताबिक इसका जो स्पेसिफिकेशन दिया गया है काफ़ी बढ़िया स्पेसिफिकेशन दिया गया है। सबसे पहले मैं बात करूँगा इस डिवाइस की डिस्प्ले के बारे में। इस डिवाइस में आपको जो डिस्प्ले मिलने वाला है 6.44 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलने वाला है जो फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ आता है। एंड इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास के सपोर्ट भी देखने को मिल जाएंगे। एंड इसका जो स्किन बॉडी एस्पेक्ट रेशियो है काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी कम है। एंड आपको जो है बेजल्स बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेंगे। एंड इसका जो है डिस्प्ले है, अंडर डिस्प्ले आपको फिंगरप्रिंट देखने को मिल जाएंगे। एंड सबसे पहले मैं बात करूँगा इस डिवाइस की डिस्प्ले क्वालिटी है काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले के मामले में जो है आपकी कोई कमी आपको देखने को नहीं मिलेंगे। इस डिस्प्ले आपको एक नॉच भी देखने को नहीं मिलेंगे, फुल व्यू डिस्प्ले है। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इस डिवाइस के प्रोसेसर के बारे में, इसमें आपको Qualcomm Snapdragon 675 प्रोसेसर दिया गया है। इस डिवाइस में एक कमी है फ्रेंड्स, इस डिवाइस के जो प्राइस पे मुताबिक जो है इसका जो प्रोसेसर है काफ़ी कम है। प्रोसेसर के मामले में जो है थोड़ा कंजूसी कर दिया है। प्रोसेसर जो है 7 सीरीज का अगर मिल जाता और भी अच्छा होता। तो फ्रेंड्स, अगर हम बात करें इसकी इंटरनल स्टोरेज वेरियंट एंड रैम वेरियंट, इसमें आपको 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिल जाएंगे। अगर हम बात करें इसके कैमरे की फ्रेंड्स, इसमें आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलेगा। जो मेन कैमरा है 48 मेगापिक्सल का है जिसका एपर्चर है f1.8 एंड सेकेंड जो कैमरा है 8 मेगापिक्सल का है जिसका एपर्चर है f2.2 एंड थर्ड जो कैमरा है 13 मेगापिक्सल का है जिसका एपर्चर है f2.5 एंड फोर्थ जो कैमरा है 2 मेगापिक्सल का है जिसका एपर्चर है f2.4। इसमें आपको जो सेल्फी कैमरा दिया गया है, पॉपअप सेल्फी कैमरा आपको इस डिवाइस में देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको डुअल सेल्फी कैमरा सेटअप दिया जा रहा है। जी हाँ फ्रेंड्स, इसका जो मेन सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का है जिसका एपर्चर है f2.2 एंड सेकेंड जो सेल्फी कैमरा है 8 मेगापिक्सल का है जिसका एपर्चर है f2.2। तो ओवरऑल इसका जो कैमरा कॉम्बिनेशन है काफ़ी बढ़िया है। डिस्प्ले के बारे में इसका कोई कमी नहीं है फ्रेंड, डिस्प्ले काफ़ी बढ़िया है। प्रोसेसर के बारे में थोड़ा कमी है फ्रेंड्स, प्रोसेसर और थोड़ा अच्छा था तो और अच्छा हो जाता। एंड कैमरे के मामले में जो है 10/10 इसमें दिया जा सकता है फ्रेंड्स। अगर हम बात करें इसकी ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ये जो है अपना जो इसका फंटा चॉइस है, इसमें फंटा चॉइस 9.1 बेस एंड्रॉयड 9.0 पाई के साथ जो है आपको आउट ऑफ बॉक्स इस डिवाइस देखने को मिल जाएंगे। सभी तरह के बेसिक सेंसर जो है, फेस अनलॉक के फीचर्स एंड सभी तरह की बेसिक सेंसर इस डिवाइस में आपको देखने को मिल जाएंगे। एंड इस डिवाइस में जो है आपको अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिल रहा है। 3.5mm के ऑडियो जैक भी जो है आपको इस डिवाइस पे देखने को मिल जाएंगे। ओवरऑल जो पैकेज है काफी बढ़िया पैकेज है। अगर हम बात करें इसके प्राइस है, एक्सपेक्टेड प्राइस है फ्रेंड्स 29,990 रुपीस। इसका जो है ये एक्सपेक्टेड प्राइस है, कंफर्मेशन प्राइस ये नहीं है। अगर हम बात करें इसके बैटरी के मामले में काफी बढ़िया काम किया है इस बार। 4100 mAh की जो है आपको बैटरी आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएंगे। 4100 mAh की बैटरी जो है आपको इस डिवाइस में देखने को मिल जाएंगे एंड फास्ट चार्जर को साथ जो है आपको ये बैटरी जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो ओवरऑल जो है पैकेज है काफ़ी बढ़िया पैकेज है। आप अगर एक वीवो की फ़ोन लेना चाहते हैं तो आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इस प्राइस रेंज में और भी बहुत सारे ऑप्शन हैं जिसमें प्रोसेसर भी अच्छा दिया गया है, आप वो भी एक बार चेक कर सकते हो। एंड फ्रेंड्स, इस डिवाइस के बारे में अगर और कुछ आपको जानकारी चाहिए तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करें, मैं आपके कमेंट के आंसर जरूर देने वाला हूं। एंड फ्रेंड्स, चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं डेली सुबह टेक रिलेटेड वीडियो लेकर आता रहता हूं एंड सब्सक्राइबर्स के हमारी जो है व्यूअर्स की जो कमेंट है उसके रिगार्डिंग जो वीडियो मैं लेके आता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन दबा दीजिए, वीडियो आने की नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में सबसे पहले आ जाएंगे। एंड फ्रेंड्स, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, आपके फैमिली मेंबर के साथ आपके फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि सबको पता चले इस डिवाइस के स्पेसिफिकेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम।